काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय प्रांगण में विश्वविद्यालय के सभी अध्यापिकाएं, छात्राएं और समस्त कर्मचारियों ने आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर जमकर डांडिया किया। डांडिया के दौरान हजारों की संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं और जमकर डांडिया का लुफ्त उठाया। डांडिया की धुन पर सभी छात्राएं और अध्यापिकाएं जमकर डांस करती नजर आई। इस दौरान पूरा महिला महाविद्यालय डांडियामय हो गया था। महिला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रीता सिंह ने बताया कि डांडिया के दौरान विश्वविद्यालय की समस्त छात्राएं उपस्थित हुई हैं और जमकर डांडिया कर रही हैं। डांडिया के दौरान समस्त महिला प्रोफेसर छात्राएं सहित यहां के कर्मचारी हिस्सा लेते नजर आए। इस दौरान प्रथम वर्ष की छात्राएं इंटरनेशनल समस्त लोगों से रहा और यह अपने आप में एक दूसरे को जाने और समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि डांडिया के पूर्व छात्राओं को डांडिया खेलने के लिए 5 दिनों तक विधिवत प्रशिक्षित किया गया। महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर सीमा तिवारी ने बताया कि नवरात्रि का पवित्र माह चल रहा है और इस दौरान धर्म में डांडिया का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा डांडिया किया जाता है। मैम अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर रीता सिंह, प्राचार्य महिला महाविद्यालय। हमारे महाविद्यालय में सभी टीचिंग नॉन टीचिंग हमारे स्टूडेंट्स सभी मिलकर आज एक डांडिया ईव किया है, जिसमें हम लोग एक तरीके से मानदी जी के का जो संगम वो आज यहाँ दिख रहा है और ये बच्चे एकजुट होकर अपना अपने जितने भी फीलिंग्स हैं, जितने भी संवेग हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था इस समय। हमारी जो पार्ट वन की जो छात्राएं आए हैं उनका एडमिशन अभी हुआ है और वो तुरंत वो बाहर नहीं जा सकती, ऐसे में वो उनके में जो होम सिकनेस है या अपने घर की याद आ रही है, तो इस त्यौहार को इस तरीके से सेलिब्रेट करने से ये हुआ कि वो हम लोगों के एकदम क्लोज टू हार्ट हो गई हैं। वो हम लोग के साथ मिलके पिक्स लेना, डांस करना और एक दूसरे से मिलना, सीनियर जूनियर सभी मिलके बहुत अच्छा माहौल हमारे कॉलेज का हुआ है और ये हमारे जो वेलबींग और लीडरशिप प्रोग्राम है जिसमें प्रोफेसर ललिता बाटा एंड प्रोफेसर निशात अफरोज और इसके साथ साथ हमारी हॉस्टल की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीमा तिवारी मैडम, इन सब ने पूरा कोऑपरेट किया है और हम लोग सब ने मिलकर इस और इसमें हमारे रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ठाकुर सर, हमारे जो फाइनेंस ऑफिसर हैं अभय ठाकुर सर, वो भी आए हैं सब परिवार और उनके साथ हमारा पूरा, इसमें कोई भी जेंडर बाइज नहीं आया, जितने भी मेल टीचर हैं वो भी साथ में मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों की अपनी गैदरिंग है, लड़कियों की अपनी गैदरिंग है और हम लोग एक छोटे से भोजन जो कि हमारे हॉस्टल के बच्चे खाते हैं, जो हम लोग सब लोग वही सब खाएंगे और इस त्यौहार को एंजॉय करेंगे और ये एक परंपरा और जो हमारी संस्कृति है उसके साथ हमारी जो ये नवीन विचारधारा है इन दोनों को जोड़ने का प्रयास। मैम ये कार्यक्रम जो हो रहा है, क्या इससे पहले बच्चियों को ट्रेनिंग दिया गया था या फिर ऐसे? इसके पहले ये 16 तारीख से हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है और 5 दिन तक डांडिया की ट्रेनिंग दी गई और हमारे बाहर से ट्रेनर बुलाए गए और उन्होंने और पूरा ट्रेन है। एक्सपर्ट के रूप में कौन आया था सिखलाने के लिए बच्चों को? एक्सपर्ट के रूप में हमारे बाहर से ट्रेनर आए थे और उन्होंने और हमारी। मैम अपना नाम बता दें। मैं सीमा तिवारी। मैम किस तरह का ये आयोजन हो रहा है? और आयोजन हो रहा है नवरात्रि का, ये पवित्र समय चल रहा है और इस समय हम सब जानते हैं कि गरबा खेलना हम लोगों के लिए एक संस्कार भी है और हमारा एक संस्कृति भी है, तो उसी संस्कृति के तहत और थोड़ा बच्चों की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को और बूस्ट करना या उस एनर्जी को यहाँ पर कैसे निखारना है उनको और कैसे उनको व्यस्त रखना है, इसके लिए हम लोगों ने डांडिया का आयोजन किया और उसके साथ हमारी प्रोफेसर ललिता मैम और प्रोफेसर निशात अफरोज, इन लोगों का सबका बहुत सहयोग रहा। हम तीनों ने ही मिलके और हमारी प्रिंसिपल का सहयोग रहा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस बार ये आयोजन करेंगे और आप देख रहे हैं बच्चे हमारे कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं और उल्लसित।